बच्चों, मैं आप लोगों को अब बहुत फंडामेंटल चीजों से शुरू करवा रहा हूँ। एक एलिमेंट्री रिजल्ट है। आज के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत यूजफुल होंगे। हर चैप्टर में बीच में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाएगी। तो पहली थ्योरम लिखिएगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। तो प्रूफ से पहले मैं समझा दूंगी कहना क्या चाह रहे हैं। बच्चों, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं सिंपल समझाने के लिए। 5, 10, 15, 20, 25, ये वैल्यूज हैं, इनको हम एक्स बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मीन निकालिए एक्स बार, तो आप इन सबको जोड़िए। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 / 5 कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाने चाहिए। इन दोनों का एवरेज क्या होता है बच्चों? 20 और 10 का। अरे 10 और 20 का एवरेज क्या हुआ? 15 10 और 20 का एवरेज 15। 5 और 25 का एवरेज 15। तो आप निकालेंगे 15 ही आना चाहिए फिर इस हिसाब से, क्योंकि सभी तो 15 पे ही आ रहे हैं। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टोटल जोड़ लीजिए। हेलो, सही है? अब यस बच्चों डेविएशन निकालो। डेविएशन का मतलब होता है x - x बार। तो एक्स बार हो गया 15, तो x - 15। अब 5 - 15 कितना होगा? 15। जवाब दे दिया हर यार फटाफट। टेन माइनस 15, 15 - 15 ट्वेंटी, बाय 25 - 15 सिग्मा डी। मतलब सारे डेविएशन को जोड़ के कितना आ रहा है? 0 जोड़िए। यही तो थ्योरम थी। आप थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया। कभी भी आप अगर कोई भी टेबल दे रखी हो, उस टेबल का अरिथमेटिक मीन ले लें और उस अरिथमेटिक मीन से जो डेविएशंस हैं वो देखें, तो सारे डेविएशंस का सम हमेशा 0 आएगा। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया क्या कह रहा हूं? यस सर ऐसे भी लिख सकते हैं, σx - x^0। ठीक। कभी भी पवन, ये समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। अब इसका प्रूफ, ये तो आपको समझाने का तरीका था। ये तो मैंने ये समझाया बेटा कि आखिर थ्योरम में कहा क्या गया है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे? एक्स बार क्या होता है?
सबको जोड़ो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एन, ऐसा होता है या नहीं? अरिथमेटिक मीनिंग यस क्लियर है, ऐसा होता है? आप लोगों ने सर, पढ़ा ऐसा होगा, मैंने थोड़ा जल्दी में वो कर दिया। अगर आप बेसिक को देखेंगे, ये एक्स टी वैल्यू होती है, इसमें एक्स लिखते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो एफ इंटू एक्स या एफ आई एक्स आई जो भी है, इन सबको हम नीचे जोड़ते हैं बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ वन एक्स वन एफ टू, और सिग्मा एफ को ही सिग्मा एन का आ गया है, तो सिग्मा एफ ही लिख लो नीचे। यही अरिथमेटिक मीन का तरीका होता है, शायद आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बोलना चाहिए, मैं ये भी समझा सकता हूं। आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्यों समझाऊं आगे? तो ये हमारे पास एक्स बार है और एफ आई एक्स आई, यस खाली सिग्मा एफ एक्स भी कह सकते हो, इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं कई बार। सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है उसको कैपिटल एन कर देते हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? यस सर, अब बच्चों हमें क्या यस कहा सर, गया है, जरा गौर कीजिए, हमसे कहा गया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये कहा गया है। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी, यहां तो मैंने पांच टर्म ली तो सबकी फ्रीक्वेंसी वन थी, एट एट बार आई थी सब। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होता है। तो क्या मैं इसे अलग करूं तो सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ एक्स बार, ऐसा हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स तो ठीक है बच्चों, जो एक्स बार है वो कॉन्स्टेंट चीज होती है, तो यहां पर कॉन्स्टेंट जो है इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन और समेशन एक ही चीज है, शायद ये कई बार बातचीत की होगी मैंने। तो जिस तरह से आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर कॉन्स्टेंट को ले आते हैं, ऐसे समेशन से बाहर भी कॉन्स्टेंट को ले आएंगे। तो जब कोई डेटा होता है तो उसका जो मीन होता है वो एक यूनिक चीज होती है ना, वो कॉन्स्टेंट हुई, वो दो नहीं हो सकते। जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया। अब आप प्लीज मुझे बताइए, सिग्मा एफ एक्स तो ठीक है, माइनस एक्स बार भी जो है क्या रखू मैं? अभी पीछे लेफ्ट में देखिए, नीचे सिग्मा फिफ्टीन एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू सिग्मा एफ, सिग्मा एफ से सिग्मा एफ कट जाएगा और बाकी सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा? जीरो। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो ये वाला तरीका होगा, दो लाइन का प्रूफ है और उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ये ट्राई जो आएगा तो हम सीधे जीरो लिख देंगे इसमें। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर, हाँ। तो कभी भी बच्चों किसी भी टेबल में सारे डेविएशंस अगर मीन से लिए गए हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीन से मतलब है, मीन से लिए गए हैं तो सारे डेविएशंस का सम हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा मीन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। मीन जब आप बात करते हैं तो एक चीज और देखता हूँ मैं, थोड़ा रिलैक्स हुआ, मेरे पास समय है और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा और लास्ट तक हो सकता है आप सब्जेक्ट को एंजॉय करें, तो प्लीज पेशेंस के साथ बने रहिएगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो मैं इसको ए एम लेते रहा हूं, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है बच्चों? एक छोटा सवाल है, जरूरत पड़ सकती है। जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है मतलब वन टू थ्री एंड सो ऑन लास्ट में एन, इन सब का अरिथमेटिक मीन, तो इन सब को जोड़ो और एन से डिवाइड करो, एट लाइन का सवाल हो गया। तो बच्चों ये हो गया सिग्मा एन, बोलते हैं इसको, वन से लेकर एन तक का सम।
किसी स्टूडेंट को मालूम है कितना होता है? सिग्मा एन, सर एन एन वेरी प्लस 1/2। गुड। तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही करना था। मैंने आसान सवाल पूछा है, ठीक हो गया। आपको उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। कभी कभी वेटेड मीन की बात होती है बच्चों, वेटेड मीन। हर एक नंबर को एक वेटेज दिया जाता है। वेटेज हम लोग बात करते हैं कई बार मैरिट बनाते समय, जिसको वेटेज है तो वेट दिया जाता है, जी इसका वेट इतना माना जाएगा। आप लोग देखते हैं कि एनसीसी के नंबर, एनएसएस के नंबर, उनको एक वेट दिया जाता है कि 10 नंबर या 20 नंबर, अलग अलग डिफरेंट जो भी कैटेगरीज होती हैं आप देखते होंगे। तो वेट क्या होता है उस पर बात कर रहा हूँ। अब सपोज मेरे पास W1, W2 ऐसे ही N है, तो WN तक विद द वेट्स वेट हैं अटैच टू द वेल, अटैच टू X1, X2 अप टू XN रिस्पेक्टिवली। देन देयर वेटेड मीन कुछ नंबर हैं जैसे X1, X2, X3, XN। अभी तक तो सिंपल था, उन सबको जोड़ के अपॉन एन करो। अब X1 का वेट W1 दिया हुआ है, X2 का वेट W2, एंड सो ऑन। तो इन सब का अगर मीन निकालना हो बेटा तो ये भी आसान है। W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस WN XN अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W1, ये वेटेड मीन होता है। तो नंबर्स जो हैं आपके पास उनको जितना वेटेज मिल रहा है। हो सकता है ऐसे समझने में दिक्कत आए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उम्मीद है इससे समझ में आ जाएगा। सो दैट द वेटेड अरिथमेटिक एवरेज द वेटेड अरिथमेटिक एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर इक्वल टू, हुज वेट्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर इज 2N+1/3। छोटा सा सवाल है बेटा, ये क्या कहा गया है जरा देखे। तो आपके पास कुछ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू N तक, और वेट क्या है इनके? 1 का वेट कितना है जरा पढ़ के बताइए। तो ये X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये X3 हो गया, ये XN है, ये दिया हुआ है। W1 कितना दिया हुआ है?
आप ध्यान से देखिए, W11 है, W22 है, लिखा हुआ है इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नंबर, हर एक का वेट उतना ही है जितना नंबर है। तो बच्चों आप बताओ एक्स बार क्या लिखूं, W1 X1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन हो गया या नहीं, सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन। आप लोगों को सिग्मा एन स्क्वायर मालूम है कितना होता है? एन एन प्लस वन, 2n+1/6, और सिग्मा एन 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 प्लस वन अपॉन टू। तो सॉल्व कर लीजिए, शायद यही आ जाएगा। क्या यह सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक हो गया। तो बच्चों वेटेड मीन कम पूछते हैं, लेकिन कभी पूछ लिया तो बहुत सामान्य सी बात है। एक्चुअली फाउंडेशन पे जितना काम करो, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि जब आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़े हैं, आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस, आपको लास्ट में निकालना तो मीन मॉड मीडियन ही है वहां भी, या स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। तो भाई उन्हें सीख ही लो पहले ढंग से, क्योंकि जब हर बार वही निकालना है तो बार बार वहां जाके अटकना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ये ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। यस बच्चों एक क्वेश्चन कर रहा हूं मीन निकालने का ही है, अरिथमेटिक मीन पे। मीन निकालिए, आप लिख लीजिएगा कि ये मीन निकालना है। इसमें एक तरफ साइज दिया हुआ है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी। साइज है और एक तरफ फ्रीक्वेंसी है। मैं जगह बचाने के लिए हॉरिजेंटली लिख देता हूं। अब साइज है 4 to 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। अगला है 8 to 12, फ्रीक्वेंसी है 10। 12 to 16, फ्रीक्वेंसी है 18। 16 to 20, फ्रीक्वेंसी है 30। 20 to 24, फ्रीक्वेंसी है 15। 24 to 28, फ्रीक्वेंसी है 12। 28 to 32, फ्रीक्वेंसी है 10। 32 to 36, फ्रीक्वेंसी है 6। 36 से 40, फ्रीक्वेंसी है 2। इस तरह मीन निकालने हैं। तो कैसे निकालें इस पे देखिएगा, मैं दो मेथड से काम करूंगा। पहले मेथड 1, मेथड 1 से करते हैं। तो बच्चों इसमें आप इस पर साइज लिखेंगे, साइज जैसे पहला आया 4 to 8, इसका मिड क्या माने, 4 और 8 के बीच में क्या होगा, बीचों बीच में या एवरेज। सर सिक्स इट्स वेरी गुड, तो ये एक्स माना जाएगा बेटा। जब भी इंटरवल दिया होगा तो एक्स मिड पॉइंट होगा इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं, वो लिखाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 ही है। दूसरा आ जाएगा 8 to 12, तो इसका 10 आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 है। 12 to 16, 14, इसकी फ्रीक्वेंसी 18। ऐसे आप लिखते जाएंगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आप अगले में
ऐसे ये जब बना लेंगे, ये टाइम टेकिंग है लेकिन कर लीजिएगा काम, आप ये बनाते रहिएगा। फिर आप करेंगे एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, मतलब जैसे ये 36, ये 100, ये जो भी आ रहा है आगे करते रहेंगे। पूरा करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ 109 है। सिग्मा एफ एक्स पता नहीं क्योंकि इस मेथड से किया ही नहीं है बुक वाले ने, तो जो एक्स बार होगा वो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये निकाल लीजिएगा। मैं केवल फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये आ रहा है 19.725, ये आपका मीन आ गया। इस मेथड का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता। इस मेथड का माइनस पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है इसमें। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे जो मेथड टू है, अब थोड़ा इससे बेहतर है वो इस सेंस में। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं ना, क्या कह रहा हूं? ये आपका डायरेक्ट, यस आप सर। 10th क्लास में भी पढ़ते या पढ़ाते होंगे तो यही करते थे, लेकिन अब हमें एक दूसरा मेथड लेना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, हिंदी में कल्पित माध्य विधि, दूसरा मेथड जो है, मेथड टू कर सकते हैं आप। तो पहले इसमें समझ लीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन में आप एक एज्यूम कर लीजिए, एट मीन को आप अपने मन से मान लीजिए, कुछ भी मान लें, एज्यूम्ड मीन भी कैपिटली। तो और अब आप डेविएशन निकालेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। तो अब आपके पास एक्स बार क्या है फॉर्मूला, वैसे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो ठीक है, एक्स टी जो क्या लिख सकते हैं आप, अरे भाई ऐसा लिख सकते हैं नहीं, यहां से उठाओ एक्स टी वैल्यू, ए प्लस टी सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों ये समझ में आ रहा है? यस सर। एक्स बार कितना होगा, ए इंटू सिग्मा एफ प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कोई बता सकता है मैंने ए को बाहर क्यों ले लिया? सर क्योंकि हमने माना है। हाँ, हमने मान लिया कि वो मीन है, अब जब वो मीन है तो वो तो फिट्स हो गया ना क्वांटिटी, तो ए को आप बाहर ला सकते हैं, बाकी नहीं आएंगे बाहर। तो बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा देखो, तो ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ कैंसिल, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो एक्स बार का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बस ये एज्यूम्ड मीन से आपके मेथड है, और इसमें ना काफी आसान हो जाती हैं चीजें। इस मेथड से कैलकुलेशन करनी चाहिए वैसे। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को कि एक्स बार ऐसा लेके फायदा है? यस एट और एज्यूम्ड मीन में ही एट और भी एडवांस है, ठीक, और भी कम कर सकते हो कैलकुलेशन, थोड़ा सा और सोचें। तो मैं इसी में भी दो सब केस हो गए, ये सब केस वन कर लीजिएगा मेथड टू में ही, एट और करता हूं बच्चों, मैं अगले पेज में आपको दिखाता हूं।
ये आप लोग ना न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी कई बार करते थे, इसको स्केलिंग भी कहते हैं। पहले इस सेंस को समझिए कि आप लोग इसका क्या मतलब समझते हैं। स्केलिंग का मतलब समझो बेटा, ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर होता हो, जब उस बच्चे का एडमिशन दूसरी जगह हुआ तो पता लगा वहां 40 नंबर का ही पेपर होता था। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई 100 नंबर का जब पेपर था तो इतने नंबर थे बच्चे के, अगर 40 का ही होता तो जो आप करेंगे दैट इज स्केलिंग। अब समझ में आया? यस सर, ठीक हो गया, तो आप लोगों को समझ में आया कि स्केलिंग का क्या मतलब है। ठीक हो गया, तो अगर ये क्लियर है तो अब मैं स्केलिंग, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते थे तो वो वाला ले लेते हैं। लेट क्यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एच होता था क्लास इंटरवल की विड्थ। एच को क्या मानते थे हम? एच इज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। जो इंटरवल आप अभी ले रहे थे पिछले सवाल में, उसकी विड्थ क्या थी बच्चों? सर 4 हाँ, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा? ए प्लस यू एच। अब आप बताओ एच भी कॉन्स्टेंट था या नहीं पिछले सवाल में, पिछले पेज में? क्योंकि एच क्या है? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, और हर इंटरवल की विड्थ 4 ही थी, याद है? ये हर इंटरवल 4 to 8, 8 to 12 ऐसे चल रहा है। तो एच भी कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स टीजर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस यू एच अपॉन सिग्मा एफ। अलग अलग कर लें तो सिग्मा एफ ए में ए बाहर आ जाएगा तो सिग्मा एफ ही रहेगा, प्लस इसमें क्या कांस्टेंट आ जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं, तो एक्स पार क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये इससे ज्यादा रैपिड चीज नहीं है कोई, ये सबसे फास्ट है, सबसे शानदार है बच्चों। ये आप इससे अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। मैं ये कर दे रहा हूं, मतलब ये आपके पास ज्यादा एडवांस मेथड है मीन निकालने के लिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं अब पिछला सवाल करके, उसमें आप देखिएगा। मैं पूरा तो नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप ही करेंगे। एज्यूम्ड मीन वो आपकी इच्छा है, आप कितना लेते हैं, आप इट मीन को एज्यूम कर लीजिए। तो एक्स क्या आया था पिछले सवाल में आप लोगों ने, अगर किसी ने नोट किया, इंटरवल गैप छोड़ दीजिए, अब एक्स देखिए मिड पॉइंट, एक्स क्या क्या आया था? 6 आया था, 4 to 8 था ना, और फिर 10 था, 10 फिर 14 14 था। ठीक है छोड़ो, आगे करते रहिएगा, टाइम आराम से लगाइए। और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी, 6 में 6 ही था शायद, 10 में 10 ही था, इसमें 18 आया था जहां तक मुझे याद है, फोर्टीन यस सर 18 था, वो भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा एज्यूम्ड मीन मैं बुक का ले ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स टी वैल्यूज हैं तो बीच बीच में कोई वैल्यू ली, इन्हें बहुत सारी वैल्यूज हैं, 14 के बाद अगली वैल्यू 18 है, फिर 22 है, और 38 तक जा रही है। ऐसे आप कर लीजिए जरा, इसका मतलब 40 तक था, हाँ 40 तक था, तो 38 आया। तो ये एज्यूम्ड मीन मान लिया बुक वालों ने। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ एज्यूम्ड मीन आपकी मर्जी है, आप जो माने आंसर सही आएगा, ये गजब चीज है।
लेकिन लगभग बीच में जैसा कुछ आइडिया लगाना जी यार, इसे मान लें तो कैसा रहेगा? तो मान लिया साहब, ठीक हो गया। अब आपने एफ भी आ गया आपके पास, ए भी आपके पास है, बेटा एच कितना है इस सवाल में? इंटरवल का गैप 4 है आपके पास। यू क्या होगा? एक्स माइनस ए मतलब 22 अपॉन एच 4। अब बताइए प्लीज, पहला यू यू कितना आ जाएगा? यू है एक्स माइनस 22 अपॉन 4। तो पहली वैल्यू सोचो, तो एक्स की वैल्यू पहले में क्या है? 4, 6 है। 6 माइनस 22 कितना होगा? -16 तो -4 आ जाएगा। दूसरा 10 रखो, एक्स टी जो 10 रखो, सो -3 -3 ठीक हो गया। 14 रख लीजिए, -2 आ जाएगा, ठीक है, ये यू आ जाएगा। अब क्या करना है? एफ इंटू यू। तो बच्चों एफ भी पता है, यू भी पता है, ये कितना? 6 इंटू -4, -24, -30, -36। आप माइनस करो, थोड़ी देर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स बढ़ता जा रहा है। जो ही एक्स 22 से ऊपर जाएगा, ये प्लस में आ जाएंगे, और ये कुछ माइनस प्लस, ये बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। तो बच्चों लास्ट में आप जब करोगे तो ये सिग्मा एफ यू होगा, ये आ रहा है -62, और सिग्मा एफ तो उतना ही होगा जितना पहले था, 109। अब आपके पास फॉर्मूला है एक्स बार का, ए आपको पता है, सिग्मा एफ यू -62 आ गया है, सिग्मा एफ 109 है, और एच 4 है। आप प्लीज इसमें रखिए, आप देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी छोटी आ रही है। आप दोनों मेथड से जब पेन चलाएंगे ना, तब आप इंजॉय कर पाएंगे, नहीं चलाएंगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है उसमें। क्या मैं समझा पाया आपको कुछ? यस सर। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एक बहुत बेसिक जानकारी हो पाई है, थोड़ा सा कुछ चीजें एलिमेंट्री, ताकि पहली क्लास से फिर करते हैं। इस क्लास में मेरे पास अब 3-4 मिनट बचे हैं, आपको कुछ और जानना पूछना है तो सवाल पूछिए, अदरवाइज मैं क्लास ब्रेक करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे। कुछ पूछना है?